हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वॉम वेलकम इन दिस सेशन गुड इवनिंग एवरी आप सभी का स्वागत है वेलकम 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 नीतीश सत्यपाल नटराज बंटी शिवानी लेखराज शुभम राजकुमार अविनाश एम आई ऑडिबल एक बार बता दीजिए वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। वन गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरी कैसे हैं आप सब हाउ आर यू ऑल गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग बिल्कुल सब ये सारी जानकारी मिलेगी आपको कौन से एग्जाम के लिए है क्या है बैच ये सारी जानकारी मिलेगी सर बहुत दिनों बाद आए हाँ जी इंग्लिश स्पेशल बैच काफी समय के बाद आया है ये चले साहब तो आपको आवाज सुनाई दे रही है सब कुछ बिल्कुल ओके है सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो भाई पहली क्लास है और पहली क्लास का क्या एजेंडा होने वाला है मैं आपको थोड़ी थोड़ा ब्रीफ कर दूं तो सबसे पहले तो बैच के बारे में जो डिटेल्स है हम उनके बारे में बात करेंगे राइट Uh, इसका कोर्स स्ट्रक्चर क्या होने वाला है कौन कौन से एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होगा आप किस पर्टिकुलर सेक्शन में स्ट्रगल कर रहे हैं जिसके जिसके लिए बैच आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे ये सारी चीजें यहां पे होंगी. Right, बार, तरीके से पूरा ग्रामर के सारे टॉपिक्स वो कैब कॉम्प्रिहेंशन सारी चीजें बताऊंगा आपको उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं आज पहली क्लास है इंट्रो क्लास है देर आर टेन क्वेश्चन जिसमें ग्रामर वो और कॉम्प्रिहेंशन तीनों थोड़ा थोड़ा सा Uh, मैंने शामिल किया है और पर्पज यही है कि यह पहली क्लास है पहली क्लास में आपको अपना आकलन होना भी जरूरी है राइट right, कि हम कहां पे स्टैंड करते हैं क्योंकि पेपर आपके तीनों सेक्शन से मिलके आता है और ये इंग्लिश स्पेशल बैच है फाउंडेशन बैच है ये तीनों ही सेक्शन को बहुत ही डिटेल्ड मैनर में बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर ले के आपको एडवांस लेवल तक लेके जाता है सो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड बैच आज से शुरू हो गया फिफ्टीन सेप्टेंबर राइट फोर थर्टी से फाइव फोर्टी फाइव टाइमिंग होगी इसकी वीक में फाइव डेज क्लासेस चलेंगी करियर वेलब के ऊपर ये क्लासेस लाइव होंगी और अगर आप इस लाइव के समय कहीं और बिजी हैं तो आप ये क्लासेस बाद में देख सकते हैं आपको पता है ये आपके मोबाइल में ये रिकॉर्डेड हो जाएगी राइट यूजफुल किन किन एग्जाम्स के लिए तो भाई एस एस सी के सारे एग्जामोग्राफर टेक्निकल एग्जाम्स जो होते हैं इंग्लिश पूछी जाती है उन सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है जो आपके बैंकिंग एग्जाम्स हैं जाहिर तौर पे उनकी बेसिक्स में कोई बदलाव तो आएगा नहीं चाहे वो क्वेश्चन कोई भी टाइप हो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन हो या वो कैब बेस्ड क्वेश्चन हो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड हो तो इस बैच के ज्वाइन करने के बाद बैंकिंग के एग्जाम्स अगर आप राइट करने वाले हैं तो उसका भी बेसिक्स बैकग्राउंड आपका बहुत बेहतर तैयार हो जाता है राइट right, जिसपे आप बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं क्योंकि बैंकिंग में थोड़े से क्वेश्चन टाइप अलग होते हैं जिसके लिए आपको थोड़ा सा और गाइडेंस चाहिए होता है अदरवाइज काफी हद तक आपकी चीजें क्लियर हो जाती हैं सी सैट कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन पूछा जाता है जनरली तो जो कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा स्टेट जो एग्जाम्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा जो यूपीएससी के हमारे एग्जाम है चाहे वो सीडीएस का है या एनडीए के एग्जाम्स इन सभी के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जाहिर तौर पे वहां पे आपकी ग्रामर के ज्ञान को टेस्ट किया जाएगा अलग अलग तरह के क्वेश्चंस के माध्यम से एरर डिटेक्शन सेंटेंस इंप्रूवमेंट सेंटेंस करेक्शन वॉयस नरेशन तो वॉयस नरेशन तो खर एक अलग टॉपिक है बट ये जो टॉपिक्स हमारे एरर डिटेक्शन के हुए या सेंटेंस करेक्शन के हुए सेंटेंस इंप्रूवमेंट के हुए बेस्ट रीस्टेटमेंट के हुए किसी भी नाम से ये सवाल पूछा जाए या आजकल आप देख रहे हैं सीडीएस में जैसे मैं अपनी क्लास जब शुरू करता हूं ग्रामर का पोर्शन तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के आइडेंटिफिकेशन से शुरू करते हैं कि आपके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए और आप मुझसे कनेक्टेड हैं इतने टाइम से आप ये जानते हैं हम बेसिक्स वहीं से शुरू करते हैं अभी बहुत सारे एग्जाम्स में पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं कि अगर मैं कह रहा हूं कम इन तो यहां पे इनकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है एंड यू आर सिटिंग इन योर रूम यहां इनकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है तो हम तो शुरुआती वहां से करते हैं उन तरह के क्वेश्चन अब हर जगह पूछे जा रहे हैं तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके बेसिक्स बेहतर हैं स्ट्रांग हैं और आपने एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई की है जो हम बिल्कुल लेटर ए बी सी डी से शुरू करके वर्ड फ्रेज क्लॉज सेंटेंस वहां से शुरू करके उसके बाद चैप्टर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे तो ये हो गई एग्जाम्स के बारे में जानकारी कि भाई आप किसी भी एग्जाम के बारे के लिए प्रिपेयर प्रिपेयर कर रहे हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बैच आपका बेनिफिशियल होने वाला है आइए जरा कोर्स स्ट्रक्चर समझ लेते हैं देखिए ये ग्रामर का स्ट्रक्चर है आपके सामने डिटेल्ड कॉन्सेप्ट प्लस लाइव डिस्कशन ऑफ हंड्रेड ट्वेंटी प्लस क्वेश्चन चैप्टर वाइज राइट सो यानी हर एक चैप्टर जैसे आपको यहां दिख रहा है सबसे पहले ग्रामर प्राइमर से हम शुरू करते हैं अब आप पहले आपकी मिट्टी भूर की जाती है क्योंकि तो अंग्रेजी लंबे समय से पढ़ रहे हैं बट वेन एवर वी एनकाउंटर सेंटेंस इन न्यूज पेपर मैगजीन या जब कोई बोल रहा होता है या कोई लंबा सेंटेंस मिल जाता है तो हमें वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वहां समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि वहां पे आपको राज लाइक -like, सिमरन टाइप का सेंटेंस मिलता नहीं है उसमें लंबे सेंटेंसेस मिलते हैं तो जब तक आपके बेसिक्स नहीं क्लियर हैं आप वर्ड को नहीं पहचान पाते फ्रेज आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्लॉज आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो एक सेंटेंस की भी आपकी समझ नहीं है तो ये जो मूलभूत चीजें हैं एक सेंटेंस को बनाने में जो उसके कॉम्पोनेट हैं बेसिक कॉम्पोनेट एक सेंटेंस के हम वहां से शुरुआत करते हैं और इसमें आई थिंक फोर टू फाइव डेज लगते हैं लेकिन उसके बाद आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं क्योंकि आप किसी भी चैप्टर की बात करो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एड वर्ड प्रेपोजिशन कंजंक्शन सब मिक्स करके क्वेश्चन आपको मिलते हैं किसी भी क्वेश्चन में आपको सेंटेंस मिलेगा लेकिन अगर एक सेंटेंस को पढ़ने में और समझने में ही आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो फिर आपको तभी ग्रामर में रूल रटने की नौबत आती है अगर अंडरस्टैंडिंग है तो रूल रटने की नौबत कहीं नहीं आती तो ये सिलसिलेवार तरीके से आपको सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं Grammar, primer, right, ये, आपके ग्रामर का जहां पे डिटेल्ड कॉन्सेप्ट डिस्कशन और उसके बाद उसी चैप्टर के ऊपर और ये क्वेश्चन वेरी करते हैं जैसे हंड्रेड ट्वेंटी प्लस मैंने लिखा है जेनरल है आप जैसे टेंथ में जाओगे तो वहां नंबर ऑफ क्वेश्चन ऊपर हो जाते हैं वो अपने आप में बड़ा चैप्टर है राइट right, बहुत सारे कैटेगराइजेशन है वर्ब के अंदर भी तो यहां पे भी क्लोज टू 200 पहुंच जाते हैं क्वेश्चन टेंस में भी 150 प्लस पहुंच जाते हैं तो अगर मैं देखूं तो मोर और लेस यहां पे आपके पास आप कुछ 1500 प्लस क्वेश्चंस लाइव प्रैक्टिस करने वाले हो सिर्फ ग्रामर के सेक्शन से ठीक है तो ये हो गई ग्रामर की बारी और ग्रामर के बाद हम अगले सेक्शन में पहुंचते हैं जो है वोकेबलरी का स्ट्रक्चर अब आपको पता है कि वो में अगर हम आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये टॉपिक्स आते हैं सिनेनीमेंटेनिम्स वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इडियम फ्रेजेस फ्रेजल वर्ब एंड आपके स्पेलिंग एरर्स के क्वेश्चन राइट right? ये चार टॉपिक हैं अगर हम एस के टिपिकल पैटर्न की बात करें लेकिन अगेन सिनेनीमेंटनिम रट करके आपको कभी नहीं याद होने वाला ना तो एग्जाम के लिए वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है क्योंकि जरूरी नहीं है कि जहां से आपने रटा है या पढ़ा है वही चीज एग्जैक्टली एग्जाम में पूछी जाए तो इसीलिए यहां पे पॉइंट क्या लिखा है वो कैब डेवलपमेंट एंड यूसेज ये दोनों बातें हमें समझनी पड़ेंगी कि वो कैब का विकास किस तरीके से होता है uh, रट करके हमने बहुत कोशिशें कर ली वो उतना उतनी कामयाब कोशिश नहीं होती वो आपको पता है सुबह दस वर्ड आपने रटा शाम तक भूल जाएगा इफ यू आर नॉट एबल टू मेक एनी काइंड ऑफ कनेक्शन यू हैव लर्न राइट तो किस तरीके से आप वो कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा होगी और आप एक मेथड जानते होंगे जिसे हम पी आर एस मेथड कहते हैं राइट प्रेफिक्स रूट सफिक्स और यह मेथड काफी कारगर है राइट right? और यह तीन तरह के क्वेश्चन टाइप यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन राइट और स्पेलिंग एरर्स इन तीनों क्वेश्चन टाइप्स में यह मेथड आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होता है राइट right? जैसे अभी आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज अ वन वर्ड फॉर द पर्सन हु डज नॉट रिस्पेक्ट वेमेन

मैंने कहा सिरनीम एंटनीम बहुत आसान हो जाता है इस मेथड से कोई पूछे व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ मिसोजिनिस्ट सीधा जवाब आपका क्या होगा द ऑपोजिट आर एंटेम इज फिलोजिनिस्ट क्योंकि आपको इस बात की समझ है किस बात की समझ है वो कैब की गणित की समझ है आपको कि भाई मिजो हेट है तो फिलो या फाइल लव है गाइनी रूट वर्ड हो गया इष्ट बन गया कॉमन नाउ सो मिसोजिनिस्टिक फिलोजिनिस्टिक मिसोजिनी फिलोजिनी शब्दों की भरमार हो जाती है पूरी तरीके से ठीक है ऐसे ही किसी ने आपको पूछ लिया कि बेटा व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ जेनोफोब राइट अब ये जेनोफोब कर दिया आपने कॉमन नाउन है जेनोफोबिया कर दिया जेनोफोबिया अगर आपने कर दिया तो ये क्या बन गया ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया वहीं पे अगर आपने जेनोफोबिक कर दिया तो ये क्या बन गया ये एडजेक्टिव बन गया तो बहुत बार स्टूडेंट्स इस गलतफहमी में भी रहते हैं और ऐसे कमेंट्स भी अपने लिए पास करते हैं कि आई हैव अ गुड कमांड ओवर ग्रामर बट मुझे वो कैब पे उतनी कमांड नहीं है तो इसका मतलब ग्रामर पे जो कमांड है वो रटे हुए नियमों वाली है और वो बहुत घातक है और सुसाइडल है क्योंकि तो रटा हुआ मन हमेशा बोझल होता है उसको बड़ा डर होता है कि जो रटा है अगर भूल गया तो क्या होगा तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश में पूरी तरीके से तो पूरी तरीके से होगी कोई अगर इस तरह की बातें कर रहा है तो इसका मतलब बेचारा नादान है कि मेरा ये अच्छा है बट ये अच्छा नहीं भाई कोई भी भाषा दो बेसिक पिलर्स पे निर्भर होती है हर भाषा का की अपनी शब्दावली होती है शब्दकोश होता है वो कैबलरी होती है और उन शब्दों को किस तरीके से यूज करना यह उस भाषा का व्याकरण सिखाता है राइट सो ग्रामर इज नथिंग बट द मैथमेटिक्स ऑफ द लैंग्वेज दैट हेल्प यू आउट इन पुटिंग दोज वर्ड्स इन अ करेक्ट स्ट्रक्चर इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ एनी ऑफ दीज आप तो सेंटेंस ना लिख पाएंगे ना बोल पाएंगे फिर चीजें तुक्के से चलती हैं तो इसलिए हम एक बहुत ही कॉम्प्रेहेंसिव तरीके से सारे डिपार्टमेंट्स को यहां पे बेहतर करते हैं क्योंकि तो जब तक सारे डिपार्टमेंट्स आपके बेहतर नहीं है तब तक नंबर भी नहीं आएगा और सिलेक्शन भी नहीं होगा तो हमें हर एक डिपार्टमेंट की चिंता यहां पे करनी है अब देखो यहां पे फोब शब्द आ गया अब फोब फोबिया फोबिक ये भी डर के लिए इस्तेमाल होता है अगर मैं कहूं कि इसका ऑपोजिट बताइए मुझे व्हाट इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स तो क्या हो जाएगा अब हो जाएगा जेनोफाइल ये पूरी गणित है जेनोफाइल या जेनोफीलिया एग्जैक्ट ऑपोजिट की हम बात कर रहे हैं कहीं कुछ रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और इधर क्या हो गया जेनोफिलिक हो गया तो ये पावर है आपके पीआरएस मेथड की दिस इज द पावर ऑफ पी आर एस मेथड राइट और यहां पर आपको एक शब्द के साथ पूरी ब्रांचेस का पता लग जाता है आप एक रूट वर्ड के साथ चालीस पचास के करीब शब्दों को देख सकते हैं याद रख सकते हैं बिना रटे हुए अब देखो जेनो का मतलब हो जाता है जो फॉरेनर्स हैं, जो आपसे अलग आइडेंटिटी रखते हैं आपसे इतर आइडेंटिटी रखते हैं तो अगर आप जेनोफोब हैं इसका मतलब अपने से अलग आइडेंटिटी वालों के लिए आप उतने वेलकमिंग नहीं होंगे राइट सो दिस इज वॉट ये कॉमन नाउन है इट्स अ कॉमन वर्ड फॉर ऑल दो पीपल जो इस तरह के हैं और वैसे ये ऑपोजिट हो गया ऑपोजिट है तो मैंने दोनों तरफ एरो बना दिया ये भी कॉमन नाउन है अब पेपर में आ जाए व्हाट इज वन वर्ड फॉर द फॉर द पीपल जो कि अलग आइडेंटिटी के लोग अपने से अलग तरह के आइडेंटिटी के लोगों को के लिए भी वेलकमिंग होते हैं तो उसके लिए आपके पास शब्द है जे फाइल अब रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि पता है फाइल का ऑपोजिट फोब हो जाएगा फाइल का ऑपोजिट फोब हो जाएगा पीलिया का ऑपोजिट फोबिया हो जाएगा और फिलिक का ऑपोजिट फोबिक हो जाएगा बिकॉज ये सिर्फ यहां पे सफिक्स से चेंज हो रहे हैं और ग्रामेटिकल प्रोफाइल्स चेंज हो रही हैं ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये क्या है ये आपका एडजेक्टिव है तो इस तरह से ये कनेक्शन है राइट right? Uh, तो हम बात कर रहे थे कैब की तो जैसे आपको बताया मैंने कि इस मेथड के जरिए ये तीनों एरियाज आपके जिस लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एसएससी के एग्जाम्स में काफी हद तकनीम एंटनीम वन वर्ड और स्पेलिंग एरर्स के क्वेश्चन आप कर सकते हैं जहां तक बात है इडियम्स, फ्रेज़ेस एंड फ्रेजल वोब की ये फिक्स्ड वोकेबरी है अच्छी इंग्लिश में इस्तेमाल होती है सो इफ यू हैव हैबिट ऑफ एक्सपोजर ऑफ दिस लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ लिसनिंग रीडिंग वॉचिंग आपको शौक है अगर तो ये आप काफी हद तक खुद प्रिपेयर कर लेते हैं जाहिर तौर पे इसके लिए भी आपको पूरे नोट्स मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास में भी डिस्कशन होगा लेकिन अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो इसके लिए पैशनेट होना बहुत जरूरी है डिक्शनरी भी आती है ऑक्सफोर्ड की फ्रिजल वोब की इडियम फ्रेज की आप खरीदें पढ़ें अच्छी इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाला ये एरिया है राइट अगला एरिया है आपका कॉम्प्रिहेंशन का राइट right? बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बहुत बार नजरअंदाज करते हैं और बहुत सारे लोग जो सिलेक्शन के लिए स्ट्रगल करते हैं उनकी बहुत बड़ी दिक्कत यह रहती है कॉम्प्रिहेंशन में आपके पास पैरासिंबल्स हैं आप जानते हैं ये कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप लिखे पैरासिंबल्स के क्वेश्चन वहां डेफिनेटली पूछे जाते हैं डिफरेंस जो आएगा वो डिफरेंस सिर्फ जो है वो डिफिकल्टी लेवल का होता है नंबर ऑफ सेंटेंसेस का होता है और कोई भी फर्क वहां पर नहीं होता जी YouTube पे कोई दिक्कत तो नहीं है वीडियो देखने में इज देर एनी प्रॉब्लम ऑन ऐप और यूट्यूब कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है एक बार बता दीजिए अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो इज रनिंग ऑन ऐप एक मिनट जरा मैं शायद YouTube पे कुछ दिक्कत है तो आ जाइए यहां पे डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं शायद YouTube पे वीडियो जो थी वो आपको नहीं दिख रही थी हाँ जी तो हम बात कर रहे थे पैरा सिंबल्स की कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन की अगर आप बात करें एसएससी के एग्जाम्स की तो आपको पता है मेंस के अंदर ये ट्वेंटी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे दो सौ में से और आप अगर प्री की भी बात करो तो सारे एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन मिलते हैं कोई भी चाहे सीडीएस की बात करो एनडीए की बात करो आप एस एस के किसी एग्जाम्स की बात करो बैंकिंग की बात करो हर जगह ये पूछा जाता है क्लोज टेस्ट भी वही टॉपिक है आपको पता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी अगर मैं फिर अगेन बात करूं एस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्लोज टेस्ट आपको 20 से ट्वेंटी थर्टी क्वेश्चन है तो आप खुद देखो कि इस पर्टिकुलर सेक्शन का वेटेज कितना ज्यादा है राइट right. और यह है आपका फिलर्स फिलर्स का जनरली पांच क्वेश्चन आपको मेंस में देखने को मिलते हैं बट अदरवाइज ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है फंडामेंटल्स डेफिनेटली जो आपके फिलर्स के हैं वो क्लोज टेस्ट के भी होते हैं ठीक है so, सो ये एक बड़ा एरिया है अपने बारे में तो यहां पे भी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट डिस्कशन क्या अप्रोच है इसका आज आप कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे पैरासिम्बल्स के भी प्लस लाइव प्रैक्टिस सेशन और यहां पे भी मैं आपको प्रैक्टिस में जो आपके सीजियल मेंस के क्वेश्चन है वो सीधा प्रैक्टिस कराता हूं सो so दैट कि आपको ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि भाई अगर मैं सीजीएल मेन्स के क्वेश्चन कर सकता हूं कम समय में इन सारे टॉपिक्स के तो इसका मतलब कि मैं एसएससी के कोई भी एग्जाम्स का बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं प्लस जो भी आपके स्टेट एग्जाम्स हैं हर जगह आप आसानी से क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं ठीक है गॉट इट तो भाई ये तो हो गया पूरा स्ट्रक्चर और यहां से आपको अब ये बात समझ में आ गई कि भाई अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें सब कुछ मिलाते हुए सारे सेक्शन को मिलाते हुए तो ये आपका 18 टू 1900 हंड्रेड प्लस क्वेश्चंस पहुंच जाते हैं क्लोज टू टू क्वेश्चंस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट प्लस इतने सारे क्वेश्चंस यहां पे डिटेल्ड मैनर में डिस्कस होते हैं क्या यूट्यूब पे अभी भी दिक्कत है क्या शायद यूट्यूब पे ये क्लास नहीं चल पाई किन्हीं टेक्निकल कारणों से हम इसको बाद में जो है वो रिले कर देंगे डोंट वरी अब आ जाओ अब जरा क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन से पहले एक सिंपल से सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि हम यहां स्ट्रेटजी और अप्रोच की भी बात कर रहे हैं अगर मैं आपसे ये जानना चाहूं कि आपकी जो स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई लिखाई है हर जगह वहां पे भी आपने इंग्लिश पढ़ी हुई है उसके मुकाबले जब आप इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स यानी एप्टीट्यूड टेस्ट जहां आपकी मानसिक योग्यता परीक्षा ली जाती है उसकी पढ़ाई में क्या फर्क है अप्रोच में क्या फर्क है व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस यू सी इन टर्म्स ऑफ अप्रोच फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनी ऑफ द एप्टीट्यूड टेस्ट वॉट यू आर गोइंग टू राइट इन कमिंग डेज इन कंपेरिजन टू वट एवर यू हैव स्टडीड इन योर स्कूल एंड कॉलेजेस वॉट्स द डिफरेंस क्या फर्क है कैसे ये अलग है ये तैयारी देखो कई पैरामीटर्स पे पर ये अलग है सबसे पहली बात क्योंकि मैं अगर आपके आंसर लूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है मेमोराइजेशन का स्कूल कॉलेज में बहुत ज्यादा जोर इस पर होता है हमारी ट्रेनिंग इस तरह की होती है कि ये रट जाओ ये पढ़ जाओ ये फाइव इयर्स हैं ये टेन इयर्स हैं एंड ये तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है और यहीं से क्वेश्चन आते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट है टाइप यानी फोकस इज मोर ऑन मेमोराइजेशन लेकिन जब आप इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आते हैं तो यहां पे जो फोकस है दैट इज ऑन अंडरस्टैंडिंग ये पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है अंडरस्टैंडिंग यानी आपकी समझ की टेस्टिंग होती है कि जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर उसकी समझ कैसी है आपकी बिकॉज उन समझ के आधार पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब जैसे मैंने अभी आपको आ, कुछ वर्ड्स दिखाए यहां पर जो मैं रूट वर्ड के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक किस तरीके से आपको स्पेलिंग एरर्स में भी ध्यान आपको मदद करेंगे बिकॉज लंबे वर्ड्स किन शब्दों से मिलकर बने हैं वो आप आसानी से जानते हैं राइट right? uh, दूसरी बात आपको वन वर्ड सचुएशन में तो मदद मिलेगी ही मिलेगी साथ में आपकी प्रोनाउंसिएशन भी बेहतर होती है क्योंकि आपको पता होता है कि शब्द में चार टुकड़े हैं किस शब्द पे हमें ज्यादा जोर देना है जैसे आप प्रोनाउंसिएशन करते हो गवर्नमेंट गवर्नमेंट अबाउट राइट सो इट्स नॉट अबाउट या अबाउट इट्स अबाउट इट्स अबाउट या जैसे यहां पे था मिसोजिनिस्ट मिसोजिनिट्स इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट लाइक मिसोजिनिस्ट याशन बहुत सही होना चाहिए मिसोजिनिस्ट तो जब आप सिलेबल्स की समझ बढ़ाते हैं तो उसका फायदा कई जगहों पे होता है जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे वो वर्बल एबिलिटी के अंदर आते हैं यानी आपकी अंग्रेजी की योग्यता को टेस्ट किया जाता है मेरे बैचेस में बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश में मास्टर्स हैं वो इन क्लासेस में पढ़ते हैं फिर कल स्पोकन के बैच में एक सज्जन ने ये फीडबैक लिखा कि बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है क्योंकि जो एकेडमिक्स वाली पढ़ाई है दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल यहां पे हो सकता है जैसे आज जो एक इंटरव्यू आने वाला है आप जरूर देखें शिवम नाम के एक मेरे स्टूडेंट जिन्होंने आपके अपनी जर्नी वो बताएंगे सर सारी डिटेल्स आपको बताएंगे मैं कोई यहां पे स्पॉइलर नहीं देना चाहता बट उन्होंने कोविड के टाइम में लॉकडाउन के समय में इस समय का यूटिलाइजेशन किया और पहले अटेम्प्ट में पांच एग्जाम्स क्लियर किए और पीओ सिलेक्शन uh, हो गया उनका और पोस्टिंग भी हो गई नौ तारीख को उनकी ही जस्ट ट्वेंटी वन ईयर्स ऑफ एज लेकिन वो बताएंगे आपको उस इंटरव्यू के दौरान कि सर आपके जितने बैचेस आए क्योंकि मेरी भूख बढ़ गई आपसे मिलने के बाद कि अच्छा हाँ इंग्लिश को इस नजरिए से भी देखा जा सकता है क्योंकि हर जगह वो रूल वाला पैटर्न चल रहा है रूल रट लो पढ़ लो यही आएगा यही नोट्स हैं इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला तो जब वो सेंस डेवलप होगी ना मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि अगर आपके का अप्रोच क्लियर हो गया तो आप जो एग्जाम लिखना चाह रहे हैं वो सारे क्लियर कर लेंगे उसमें कहीं कोई मुश्किल नहीं आने वाली फंडामेंटल्स वही है चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो ये क्लैरिटी आपको बिल्कुल होनी चाहिए तो ये देखो पहला फर्क आ गया ये आपके एप्टीट्यूड टेस्ट की बात कर रहे हैं इधर हम स्कूल कॉलेज की बात कर रहे हैं दूसरा फर्क क्या है आप देखिए जो आप स्कूल में एग्जाम राइट करते हैं जनरली वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं और टाइम ज्यादा होता है आया हाँ ना ग्रेजुएशन के पेपर में भी आप देखोगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है टाइम ज्यादा है यहां पे कहानी बिल्कुल उलट हो जाती है यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है और टाइम क्या होता है कम होता है तो अगर आपने स्कूल कॉलेज का अप्रोच यहां भी पकड़े रहे आप तो सफलता मिलनी मुश्किल है क्योंकि पूरा दिमाग का अप्रोच चेंज करना पड़ता है तीसरा फर्क क्या है ये पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया है दूसरा हो गया तीसरा हो गया लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन जो है वो बिल्कुल ही अलग मामला हो जाता है यहां पे वो लिमिटेड रहता है आपके स्कूल में कॉलेज में जितने विद्यार्थी हैं राइट यूनिवर्सिटी में हैं उस लेवल पे आप कंपीट कर रहे हैं और यहां पे आप नेशनल लेवल पे कंपीट करते हैं राइट लाखों बच्चे इस एग्जाम को राइट कर रहे हैं जो आप लिखने जा रहे हैं तो ये तीन बड़े पैमाने हैं जो जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं आपकी यूजुअल पढ़ाई लिखाई के अंदर और जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तब तो ये तो सबसे पहला डिफरेंस है अब आपको अगर कुछ सवाल यहां पे पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं हां जी बेटा लखन सीडियस हो जाएगा कोई मुश्किल नहीं है गाइड करियर विल ऐप पे चले जाइए ये मैं यूट्यूब पे ये वीडियो बाद में डलवा दूंगा कुछ दिक्कत आ गई थी इसलिए शायद यूट्यूब पे नहीं जा पाया तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं तो अब मैं चाहता हूं जैसे मैंने आपको कहा कि थोड़ी सी टेस्टिंग करते हैं पहली क्लास है राइट देर आर टेन क्वेश्चन जो कि मिक्सड है बहुत बेसिक लेवल पे जरा देखेंगे किसका स्कोर कितना आता है ठीक है इन्हीं क्वेश्चन के साथ चर्चा शुरू होगी माई कैट विल डाउन एनी वेयर बट माई डॉग इज मच मोर पिकी अब इन तरह के जो क्वेश्चन हैं ये एस क्योंकि बेसिक्स का एग्जाम है एस जिसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग है वो आसानी से सेल थ्रू कर लेता है वो अगर आपको फिलर का भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसमें भी ज्यादातर जा, क्वेश्चंस आपको ग्रामर बेस्ड मिलते हैं आप पेपर्स उठा के देखें तो मैंने भी उसी तरह का क्वेश्चन दिया है और बिल्कुल आपकी जो साधारण समझ है लैंग्वेज को लेकर के उसी को टेस्ट यहां पे किया जा रहा है माय कैट विल चार ऑप्शंस हैं आप बस कमेंट सेक्शन में एबीसीडी लिख दीजिएगा मेरा काम हो जाएगा संगम बता दिया मैंने भाई बैच ड्यूरेशन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है नहीं दी है देखो तो बैच जो है जनरली वो फाइव लग ही जाता है क्योंकि ये आराम से चलने वाला बैच है फाउंडेशन बैच है तो फाइव मंथ्स आपके लग जाते हैं क्योंकि आपने खुद देखा जब इतने सारा कॉन्सेप्ट का डिस्कशन और 2000 के करीब लाइव क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो रहा है आपके कमेंट्स लिए जा रहे हैं तो जाहिर तौर पर टाइम लगता है उसमें अब आप देखो यहां पे मैं देख पा रहा हूं ए बी सी डी सारे ऑप्शंस यहां पे आ रहे हैं और ये हमारे लिए आईना है राइट दिस इज द मिरर हम सब पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं इस हद तक की ये तो हम समझ ही सकते हैं बट यहां पे हमें दिक्कत हो गई अब ये कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर है वॉब की समझ देखो लाई आता है ले आता है लेन आता है ऐसा नहीं कि पहली बार आपको ये शब्द मिल रहे हैं। ले है लेड आता है और लेड आता है और फिर उसी तरीके से लाई है लाइड आता है और लाइड आता है अब यहां पे आपको ये समझ होनी चाहिए कि लाई जो शब्द है वो खुद के लेटने या बैठने के लिए इस्तेमाल होगा कोई इंसान खुद को कहीं बिठा रहा है जैसे यहां पे पर यह कुत्ता ही है बेचारा तो ये बैठने की बात करेगा अपने लिए उसी की बात हो रही है ले इसको हम बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब ये खुद के लिए इस्तेमाल होता है जबकि ले जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है ले हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेगा ले हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेगा ठीक है सो वो हो गया उसका सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म है लेड और जब लाई का मतलब झूठ बोलना है सेंटेंस में तब आप लाइट और लाइट का इस्तेमाल करते हैं अब जरा यहां सेंटेंसेस में जब आप सेंटेंस में देख रहे हो तो आपको नजर आ रहा है विल का इस्तेमाल हुआ है और बचपन से पढ़ रहे हो आप और शैल के तुरंत बाद क्या आएगा वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी अब जिस बच्चे को ये समझ है वो तुरंत एलिमिनेट कर देगा कौन से ऑप्शन उसको तुरंत नजर आ रहा है कि भाई यहां पर लेन बाहर हो जाएगा और लेट बाहर हो जाएगा ये दोनों बाहर हो जाएंगे क्यों क्योंकि नजर आ रहा है आपको कि भाई ये थर्ड फॉर्म है विल के बाद आप थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा मॉडल वर्ब है अब अगली प्रॉब्लम क्या है कि भाई लाई भी है और ले भी है अब ले वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी होती है और ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है हाँ ना लेकिन सेकेंड फॉर्म कब है जब आप लाई का खुद के बैठने के लिए इस्तेमाल कर रहे यहां पे किसी और को कहीं और उठा उठा के बिठाते हो यू नो एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देते हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन कल अलीगढ़ में एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो वहां पे लेड द फाउंडेशन स्टोन यानी फाउंडेशन स्टोन उठाया और वहां पे रख दिया आप हिंदी अखबारों में पढ़ते हैं आधारशिला रखी गई तो वहां पे आप लेड का इस्तेमाल करते हो तो खैर यहां पे क्या आएगा माय कैट विल लाई डाउन एनी बट माय डॉग इज मच मोर पिकी यानी मेरी जो बिल्ली है वो कहीं भी बैठ जाती है वो कहीं भी बैठ जाती है लेकिन जो मेरा कुत्ता है वो बहुत ज्यादा पिकी है ठीक है सो ये इसका मतलब हुआ यानी वो कहीं भी नहीं बैठ जाता वो देखता है कि भाई बैठने लायक जगह है या नहीं तो कहने का मतलब कि एक बेसिक लेवल का सेंटेंस और ऐसा नहीं कि ये शब्द आप पहली बार देख रहे हैं लेकिन कई बार आप खुद से भी कतराते हो कि अब बड़े हो गए किससे पूछे लाई ले आता तो रहता है लाइंग समझ में नहीं आता तो अब आपके पास इलाज है सामने आपके सारे दुख दर्द जिन चीजों को आप पूछने से जानने से शर्माते थे कि अब क्या ही पूछे इतने बड़े हो गए समझ में नहीं आता वो सारी चीजें यहां पर क्लियर होंगी इसीलिए बेसिक क्वेश्चंस मैंने रखे हैं ये सब आपके एमटीएस लेवल के क्वेश्चन है दसवीं पास सी हां सभी का कमेंट दिख रहा है भाई तेजी से कमेंट आते हैं मैं यहीं पे देख रहा हूं जब आपसे सवाल पूछूं तो आप कमेंट करें मुझे नजर आएगा सी सर्टेनली ऑल हर कार्ड ऑन द टेबल एट द मीटिंग अब देखो यहां पर जो पीछे का ज्ञान है उसी का इस्तेमाल किया इसीलिए मैंने तुरंत अगला क्वेश्चन उसके ऊपर दिया व्हाट आई ही डिस्कस इन द लास्ट क्वेश्चन एंड नाउ आई होप कि आप करेक्ट आंसर करेंगे आपको आर्ट ऑफ एलिमिनेशन आना चाहिए कि आप सही तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकें ठीक है अब यहां पे आप देख पा रहे थे शायद आवाज में दिक्कत थी कुछ चलो अभी आवाज आ रही है हाँ मैंने आपसे ये कहा कि देखो शी लिखा हुआ sentence subject है सेंटेंस का सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के बाद दो ही पॉसिबिलिटी बनती है या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए एस सी एस लिखना होगा ऐसा किसी में नहीं लिखा हुआ राइट तो लाई like को भी आपने बाहर कर दिया यहां पे ले वैसे भी नहीं होगा सेकंड आप ये भी नहीं सोच सकते कि ये सेकंड फॉर्म हम लगा लें क्योंकि ये तो खुद के बैठने का सेकंड फॉर्म है यहां पे वो कार्ड्स को रख रही है टेबल पे तो ये ले भी गायब हो गया झूठ उसने बोला नहीं तो ये भी गायब हो गया करेक्ट ऑप्शन यहां पे क्या है दैट इज लेड कि शी सर्टेनली लेड ऑल हर कार्ड्स ऑन द टेबल एट द मीटिंग ठीक है तो मैं जो आपको समझाने लग रहा था वो ये कि आर्ट ऑफ एलिमिनेशन इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट स्किल्स वॉट यू नीड टू डेवलप इन फॉर इंग्लिश सेक्शन एक्चुअली इंग्लिश में आर्ट ऑफ एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप गलत ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं तो सही पे आप ऑटोमेटिकली लैंड कर जाते हैं अगर आप सिलेक्शन करने लग जाए ना पेपर में तो वो आपके लिए बहुत दिक्कत पैदा करेगा कि यार कौन सा इसमें से सही है तो आपको एलिमिनेशन आना चाहिए कि आप एलिमिनेट कर पाए उसको ठीक है अब एलिमिनेट करके हमने बाकी तीनों को बाहर कर दिया और ये करेक्ट हो गया क्योंकि ये सब कंफ्यूज करने वाले बेसिक क्वेश्चन अगला भी देखो नो बडी दैट ट्री सो इट फेल ऑन द हाउस अब ये सारे शब्द ऐसा लग रहा होगा आपको कि हां कहीं ना कहीं तो देखा है लेकिन क्या मैं कॉन्फिडेंस के साथ सही ऑप्शन पर लैंड कर सकता हूं चलिए आपका टाइम पूरा होता है देखो ये शब्द सभी जानते हैं फॉल का मतलब गिरना सेकेंड फॉर्म फेल एंड थर्ड फॉर्म फॉल फेल फेल्ड एंड फेल्ड और शायद आपको ये ना पता हो फॉल फेल फॉल लेकिन फेल फेल्ड एंड फेल्ड भी होता है ये शायद आपको ना पता हो और यहीं पे पेपर थिएटर आपसे खेल जाएगा इसीलिए भाई वो भी इंसानी है वो भी दिमाग लगा के क्वेश्चन बनाएंगे अब देखो ये फेल तो ये बिल्कुल सभी को पता है फेल, फेल फेल्ड फेल्ड उच्चारण में भी फर्क आ जाता है यहां पे थोड़ा सा लंबा साउंड जाएगा आपका फेल्ड राइट और ये फेल है फेल फेल्ड फेल्ड और ये फॉल फेल फॉलन अब ये तो असफल होने के लिए इस्तेमाल होता है आपको पता है फेल का मतलब तो ये तो वैसे एलिमिनेट हो गया इन दोनों में क्या फर्क है देखो इनमें फर्क जब आप खुद कहीं पे गिरते हैं तो आप उसके लिए फॉल लगाते हैं और उस केस में सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म फेल एंड फॉलन होता है फॉल फेल फॉलन बट फेल का मतलब गिरना नहीं होता इसका मतलब गिराना होता है इसका मतलब गिराना होता है गिरना नहीं होता ठीक है सो नो बडी फेल्ड दैट ट्री सो इट फेल ऑन द हाउस अब यहां पे करेक्ट ऑप्शन अब आपको समझ में आ गया कि भाई यहां पे करेक्ट ऑप्शन ए है जैसे कई बार जब आप देखते हो कि यू नो तूफान आ रहा है चक्रवात आ रहा है तो पेड़ की डालियां जो हैं, वो टूट के गिर जाती हैं कई बार घरों के ऊपर गिर जाती हैं। तो नो बडी फेल्ड दैट ट्री अब जैसे मान लो डाली बड़ी सी डाली टूट करके आपके घर के ऊपर गिर गई बालकनी में गिर गई कहीं पे वो जाकर के अटकी हुई है तो अगर आप उसको हटाओगे नहीं तो जाहिर तौर पे वो कहीं और जाके गिर जाएगी और इसीलिए यहां पे लिखा है क्योंकि किसी ने उस पेड़ को हटाया नहीं सो इट फेल ऑन द हाउस कई बार डाली टूट करके भी ऐसे पेड़ पे लटकी लटकी रहती राइट आधी डाली जो है वो टूट चुकी है और पेड़ पे लटकी हुई है अब जब वो टूट गई तो उसे हटा देना चाहिए क्योंकि वो कभी भी गिर सकती है लेकिन क्योंकि टूटी हुई डाली को किसी ने गिराया नहीं वो खुद गिर गई अब देखो यहां पे इट फेल लिखा है अब मैं अगर आपसे पूछूं कॉमन सेंस से कि बेटा ये कौन सा वो फॉर्म है ये फेल क्योंकि दो जगह तुम्हें फेल और फेल नजर आ रहा है वी टू है कि वी वन है तो कोई भी समझदार बच्चा कहेगा सर ये वी टू है ये वाला मतलब फेल गिरना गिरना का सेकेंड फॉर्म और यहां से आपको यह भी पता लग रहा है कि टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो भी पैरल है दोनों के दोनों जो क्लॉज हैं इस सेंटेंस में वो किसमें हैं दोनों के दोनों जो क्लॉज हैं, वो आपके पास टेंस में है ठीक है सो नो बडी फेल दैट ट्री सो इट फेल ऑन द हाउस बात समझ में आ गई गुड इवनिंग गुड इवनिंग शिक्षा अब आप देखो कि इतने आसान आसान से शब्द गिरना गिराना ये सब हम नहीं पहचान पा रहे और दावे बड़े बड़े कर लेते हैं कई बार अपने बारे में अपने ज्ञान के बारे में ये पहली क्लास है तो इसीलिए मैं दिखा रहा हूं आपको कि देखो बेसिक चीजें जो एम टी एस लेवल के क्वेश्चन आपके लिए हो सकते हैं कॉमन सेंस वाले वहां पे भी हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता क्योंकि बेसिक्स नहीं क्लियर है रूल रटने वाला पढ़ोगे क्लैरिटी नहीं आएगी राइट इसीलिए बेसिक्स पे ध्यान देना है आपको द बेबी वॉच सो दैट आई जस्ट बिसाइड हर एंड पैटेड हर बैक द बेबी वॉच सो अपसेट दैट आई जस्ट बिसाइड हर अब जाहिर तौर पे बेबी अपसेट था तो आप उसके बगल में बैठ गए खुद बैठ गए हाँ या ना बैठाने की बात तो यहां हो नहीं रही है तो बात क्या समझ में आई अब करेक्ट ऑप्शन बताना इतने क्वेश्चन हो चुके हैं इसीलिए मैंने बस एक दिया है एक ही के आसपास क्वेश्चन घूम रहा है अभी तक दो ही वर्ब फॉर्म हमने लिए लाइव का जो कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर्स से और आपके फॉल फिल फॉल इन का लिया है और वो इसीलिए कि जो बात समझाई जा रही है फिर मैं उसको टेस्ट कर रहा हूं कि आप अपनी दिमागी क्षमता को थोड़ा जांचो कि हम उस चीज को समझने के बाद अब सही तरीके से यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं बताइए करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी क्या है बेटा बैच की सारी डिटेल्स ऐप के ऊपर है मैंने क्लास के शुरू में भी बता दिया फीस एंड ऑल सबकी इंफॉर्मेशन है फीस में जो ऑफ वाला टाइम होता है वो निकल चुका है क्योंकि एडमिशन तो थर्टीन से ऑन था फीस बहुत नॉमिनल है इतने ज्ञान के लिए सिर्फ वन वन नाइन नाइन फीस है इसकी तो भाई देखो आप खुद बैठोगे वहां पे तो सबसे पहले क्या क्या आप बाहर कर सकते हैं बेबी वॉज सो अपसेट लिखा हुआ है यानी पास्ट टेंस में है बच्ची का जो है बैक उसको तुमने पैट किया जैसे बच्चों को शांत कराने के लिए उनको थपथपाया जाता है ठीक है तो पास्ट टेंस में जाना है आपको अब आई के साथ क्या पास्ट टेंस हो जाएगा यहां पे पर लेडर तो बिल्कुल भी नहीं होगा लेन भी नहीं होगा लेन आपको बताया थर्ड फॉर्म है ठीक है लाई वो अब की फर्स्ट फॉर्म है तो पता है कि सिर्फ ले हो सकता है और ये कौन सा ले है ये लाई ले लेन वाला ले है क्योंकि लाई का मतलब खुद अपने आप को कहीं पे बिठाना उसका सेकेंड फॉर्म यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया ए जितने लोग ए के क्वेश्चन है और कई तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जैसे हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले वोकैबलरी डेवलपमेंट की किस तरीके से हम शब्दों को लंबे समय तक याद रख सकें तो ये बात हमें समझनी है वो कैब के अंदर कि हमारा दिमाग कोई भी चीज एब्सोल्यूट मैनर में नहीं लर्न कर सकता या रिमेंबर कर सकता है जैसे हमने बात की ना कि आप अगर मॉर्निंग में जो है वो अगर दस वर्ड लिख रहे हैं और सिर्फ लिख करके उनकी हिंदी मीनिंग रट रहे हैं तो वो आपको शाम तक भूल जाती है आप रट करके नहीं याद रख पाते लेकिन अगर आप शब्दों को जैसे हमने देखा एक वर्ड का मेथड था वैसे एक दूसरा मेथड होता है जिसे हम क्या कहते हैं that is called, that is called group methodology. अब इसमें अगर आप शब्दों को ग्रुप में याद करें जैसे अब मुझे इस बात का पता है कि आप सभी को पता है इल्यूजन शब्द का मतलब आया ना इल्यूजन का मतलब सभी को पता है लेकिन अल्यूजन का मतलब आप में से कम को पता होगा और इल्यूजन का मतलब और कम लोगों को पता होगा यस सर नो क्या मैं जो दावे कर रहा हूं वो वो सही है या नहीं है इल्यूजन का मतलब जितने लोग क्लास देख रहे हैं सभी को पता है इसका मतलब भ्रम होता है अल्यूजन का मतलब कम को पता होगा थोड़ा इल्यूजन के मुकाबले जो थोड़ा पढ़ते लिखते हैं लिटरली और इल्यूजन का मतलब और कम को पता हो सकता है लेकिन अगर आज आप ये दोनों नए शब्द इल्यूजन के सहारे सीखते हो क्योंकि इल्यूजन का ज्ञान उसका डेटाबेस आपके दिमाग में पहले से है ठीक है अभी तो क्लास चल रही है ना किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है नहीं अब कोई दिक्कत नहीं है हाँ जी तो इसका ज्ञान आपके दिमाग में पहले से है और जब इसके सहारे आप ये दो नए शब्द सीखते हैं तो आपका दिमाग एक कनेक्शन बनाता है एक कनेक्शन बिल्डअप कर पाता है वो और उसके बाद नई चीज दिमाग में लंबे समय तक याद रहेगी लेकिन अगर मैं अल्यूजन को ऐसे ही फ्रेश कॉपी में नोट कर लूं तो मैं शाम तक भूल जाऊंगा लेकिन क्योंकि अल्यूजन को मैंने इल्यूजन के सहारे दिमाग में डाला है तो मुझे याद रहेगा अब देखो यहां से भी ग्रामेटिकल प्रोफाइल का मजा आपको मिल सकता है उसकी समझ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अब इल्यूजन से ही इल्यूड पैदा होता है यह वर्ब हो गया यहां से अल्यूड पैदा होता है यह भी वर्ब हो गया यहां से इल्यूड पैदा होता है चकमा देकर के भाग जाना इल्यूड करना ट्राइंग टू इल्यूड द पुलिस फोर्स अल्यूड का मतलब होता है किसी को कोई इनडायरेक्ट इंफ्रेंस देना रेफरेंस देना और इल्यूड करने का मतलब भ्रमित करना अब यहीं से आप चाहो तो और शब्द बना लो इल्यूजिव भ्रामक ये बन गया आपका एडजेक्टिव यहां से भी अल्यूजिव और यहां पे इल्यूजिव. तो ये है और इनके सहारे अगर आप शब्दों को लर्न कर रहे हैं तो बहुत फायदा होता है और इन्हीं को हम क्या कहते हैं इनको हम कहते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स और आपको पता है कंफ्यूजिंग वर्ड्स यानी वो शब्द जो आपको कंफ्यूज करे इसके ऊपर वो कैब में बहुत सारे क्वेश्चन आपको अलग अलग एग्जाम्स में मिलते हैं अब जरा ये क्वेश्चन आप देखो जो आपको पूछा गया था कहा गया हा यस दिस वन वेन एवर ही स्टार्टेड टू फील द पैंग ऑफ डिजायर ही वुड आस्क द लैंडलॉर्ड टू ब्रोच और ब्रूच अ न्यू बैरल ऑफ वाइन अब आप देखो यहां पर एबीसीडी चार ऑप्शन है किसी एक ऑप्शन पे टिक करने के लिए जाहिर तौर पे आपको नजर आ रहा है कि आपको दस शब्दों की समझ चाहिए हर एक सेंटेंस में दो दो कंफ्यूजिंग वर्ड दिए हुए हैं ब्रोच ब्रूच पर स्पीक्यूस पर स्पीकैसियस की एब्रोगेशन अबनिगेशन प्रोडिजी एंड प्रोटिजी ये सारे शब्द आपने सुने हुए हैं हाँ ना प्रोटिजी और प्रोडिजी तो बहुत सुना होगा सारे जरूरी नहीं है कि सुने हो आप लेकिन अब आपको इसमें क्या करना है कि भाई जिस वर्ड के बारे में मुझे पता है मैं उससे मदद ले सकता हूं अब मुझे बताओ इसमें से कौन से शब्द का मतलब आपको पता है कौन से शब्द का मतलब आपको पता है से आप आंसर निकाल सकते हो यहां पे लिखा है द रीहेबिलिटेटेड टिम्बर डेक ऑफ द के इज अ जेनरस पब्लिक गैदरिंग प्लेस थ्रू आउट द ईयर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि ग्रामर में भी आपको मदद मिलती है कहां से एलिमिनेशन से उस तरह से यहां पर भी एलिमिनेशन से मदद मिल रही है आपको पता है की का मतलब चाबी होता है राइट एवरी वन इज अवेयर ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड की सो आपको ये पता है कि ये शब्द तो यहां पे बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि यह नहीं होगा इसलिए यह होगा और इसका मतलब कि तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या आना चाहिए तीसरे नंबर पर ए आना चाहिए तीसरे नंबर पर ए सिर्फ सी और डी ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है ए और बी में तीसरे नंबर पर बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह पूरा ऑप्शन ही आपने एलिमिनेट कर दिया यानी आउट ऑफ टेन वर्ड्स सिर्फ एक शब्द की जिसका मतलब सभी को पता है चाबी यानी नौ शब्दों के बारे में भी हमने बात नहीं की है नाइन वर्ड्स यू आर नॉट अवेयर ऑफ लेकिन क्योंकि आपके अंदर एप्टीट्यूड है मानसिक योग्यता परीक्षा है आपको टेक्निक पता है क्वेश्चन को करने का कि कम समय में कैसे हमें रिस्पांस देना है तो वहां पे आप तुरंत दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेंगे अब बचा दो और जो दो बचा हुआ है उनमें आपने क्या करना है वहां पे आपको कंपैरिजन करना है ठीक है वहां आपको कंपेरिजन करना है तो अब यहां पर कंपेयर करके क्या समझ आ रहा है कि भाई किससे मदद मिल सकती है प्रोडिजी शब्द बहुत बार सुनते हैं हम प्रोडिजी का मतलब एक ऐसा बच्चा जो कम उम्र में ही बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का मालिक हो उसे क्या कहा जाएगा प्रोडिजी सो एवरीबडी अ प्रोडिजी डिटेस्ट एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स एक तरह से कॉमा के बाद जो लिखा है वो प्रोडिजी को डिफाइन किया गया है कि डिटेस्ट मतलब घृणा करना किसको एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स तो ओल्ड हेड का मतलब क्या कि जो बहुत प्रबुद्ध है बहुत दिमागदार है वो हो गया आपका ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर यानी कम उम्र का बच्चा तो ये आपको सीधा सीधा यहां पे नजर आ रहा है अब समझ में आ गया कि लास्ट में तो ए होना चाहिए कोई मदद नहीं मिलने वाली क्योंकि लास्ट में दोनों में ए है लेकिन उसके पहले वाला वर्ड क्या आपको मदद कर रहा है एब्रोगेशन आपने सुना आर्टिकल थ्री को एब्रोगेट किया गया रिपील कर देना रिवोक कर देना किसी चीज को निरस्त कर देना जबकि एब्निगेशन क्या होता है एब्निगेट करने का मतलब होता है रिनाउंस करना किसी चीज को त्याग देना जो चीज प्री थी अब आपके प्रयोग में नहीं है या आप उसको त्यागना चाहते हैं सो so, यहां पे लिखा है द मंग्स टुक टू एब्निगेशन एंड स्कॉर्जिंग एज एक्सपीएशन फॉर द सिंस ऑफ द वर्ल्ड अब देखो जो क्वेश्चन आपको दूंगा ना मैं सिलेक्शन जो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन होता है वो बहुत डाइवर्सिफाइड होता है क्योंकि आपकी समझ लैंग्वेज की बढ़े अब इस पर्टिकुलर एक क्वेश्चन में एक सेंटेंस में कितने शब्द मिल गए खैर नहीं पता है, आपकी है करना, बार -बार सुनते हैं. का मतलब आपको नहीं पता और एक्सपीएशन का मतलब भी आपको नहीं पता और यह मुझे पता है कि इन दोनों का मतलब भी आपको नहीं पता तो स्कॉर्जिंग का मतलब होता है जैसे आप अपने आपको जब कोड़े मारे जब लोग अपने आप को सजा देते हैं कि हाँ कोई चीज मुझसे गलत हो गई और कहते हैं ना पछतावा करना पश्चाताप करना कोड़े मार करके अपने आप को सजा देना दैट इज कॉल्ड स्कॉर्जिंग विप्स और एक्सपिएशन का मतलब ही क्या होता है अटोनमेंट यानी आप आपके द्वारा कोई पाप हो गया कोई सिन हो गया आप उसका उसका पश्चाताप कर रहे हैं राइट right?

यानी डेड बॉडी देख करके साफ जाहिर था कि बड़ी निर्दयता के साथ उसकी हत्या की गई है इट वॉज पर फ्रॉम द डेड बॉडी बट दिस इज एन परसियस आर्टिकल तो पर्सिकैसियस का मतलब होता है इनसाइटफुल जिस चीज में गहराई हो उसे क्या कहोगे पर कहोगे अब यहां पे देखो शी इज मच टू पर टू बी टेकन इन माई सच अस आर्ग्यूमेंट यानी वो इतनी इनसाइटफुल है इतनी गहराई है उसकी समझ में कि वो मेरे स्पीरियस आर्ग्यूमेंट के झांसे में नहीं आने वाली राइट right. तो अब आप देखो दूसरे नंबर पे बी यहां पे करेक्ट है बी इधर ब्रोच और ब्रूच अभी ये भी आसान से शब्द थे आप जब शादियों में जाते हैं पार्टी में जाते हैं तो अपने कोट पे जैकेट पे क्या लगा लेते हैं वहां पे आप लगाते हैं ब्रूच राइट right? सो so, अब उसकी स्पेलिंग क्या है बोल तो देते हैं कुछ लोग ब्रोच बोलते हैं कुछ ब्रूच बोलते हैं सो दिस ब्रूच इज नाउन और ये ब्रोच जो है ये वर्ब है ब्रोच का मतलब होता है किसी चीज को स्टार्ट करना शुरू करना राइट दैट इज टू ब्रोच सो वेन एवर स्टार्टेड टू फील द पैंग ऑफ डिजायर ही वुड आस्क द लैंडलॉर्ड टू ब्रोच द बैरल ऑफ वाइन बैरल ऑफ वाइन कि वाइन की जो बैरल है उसको खोला जाए ब्रोच का इस्तेमाल हम ब्रोच द डिस्कशन के टर्म्स में भी करते हैं ही ब्रोच द डिस्कशन उस डिस्कशन को इनिशिएट करना शुरू करना किसी ऐसी बातचीत को शुरू करना है जिसमें बाकी लोग बातचीत करने में थोड़े से अनकंफर्टेबल हैं और आपने उसकी शुरुआत की यू ब्रोच द डिस्कशन तो कहने का क्या मतलब है कि क्वेश्चन करना आसान था लेकिन एक क्वेश्चन के साथ कितने शब्द सीखने को मिल गए दस वर्ड टेन वर्ड उनकी समझ अब जरा देखो ये यहां करेक्ट वर्ड था मतलब नहीं पता हमें हाँ ये का मतलब होता है प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म जो कि खास तौर से बंदरगाहों पे होते हैं जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल लोडिंग और अनलोडिंग के लिए किया जाता है राइट right? कई बार वो लकड़ी का बना होता है या सीमेंटेड हो सकता है तो देखो यहां पे द रिहेबिलिटेटेड टिम्बर डेक टिम्बर का मतलब लकड़ी से बना हुआ है वो ऑफ द की इज जेनरस पब्लिक गैदरिंग प्लेस थ्रू आउट ईयर अब जाहिर तौर पर जब सामान अनलोड और लोड नहीं हो रहा है तो वो लोगों के घूमने फिरने की जगह है चाबी तो था नहीं वहां पे चाबी होना ही नहीं था तो ये यहां पे करेक्ट ऑप्शन था और कोई वर्ड रह गया हां जी प्रोटिजी उसे हम कहते हैं जिसका किसी को का संरक्षण प्राप्त हो जिसका किसी का प्रोटेक्शन मिला हो जिसको किसी का पैट्रोनेज मिला हो किसी का वरद हस्त उसके ऊपर हो उसे हम कहते हैं ही इज अ प्रोटिजी समवन हु गॉट द पैट्रोनेज ऑफ समवन एल्स अब ये चीज आपको समझ आ गई क्वेश्चन करना कितना आसान था अब अगला क्वेश्चन सबका सही क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए रीड करो आपको टाइम देता हूं मैं एप्टीट्यूड सीख रहे हैं आप पहली क्लास में थोड़ा सा कि किस तरीके से जितनी समझ है उस आधार पर भी आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं वॉट इज द करेक्ट ऑप्शन पूरा भरोसा है जो सिखाओ सिखाया है आपको आप उसका इस्तेमाल करके सही आंसर करेंगे देखो शब्द भी बहुत आसान दिए गए हैं कहां से मदद मिल सकती है अब मुझे इस बात का यकीन है कि आप में से सभी लोगों को अफ्लुएंट का मतलब पता है आया ना अफ्लुएंट का मतलब पता है नहीं पता उदयवीर बी के साथ जा रहे हैं रश्मि सी के साथ जा रही हैं राकेश ए के साथ जा रहे हैं भाई साहब खतरनाक काम हाँ तो देखो सिगरेट स्मोकिंग यूज टू बी कॉमनर अमॉंग अफ्लुएंट पीपल यानी अमीर लोगों में अब आपको ये पता लग गया कि यहां पे अफ्लुएंट होगा इसका मतलब तुरंत सारे ऑप्शंस पे निगाह डालोगे आप और आपको यह समझ आ रहा है कि भाई यहां पे सी और डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते कारण क्या है सी और डी में पहले नंबर पे ए लिखा गया है पांच सेंटेंस का ऑर्डर लिखा गया है यहां पे तो पहले नंबर पे ए नहीं होगा यहां पे ए लिखा हुआ है इफ्लुएंट और इफ्लुएंट होता है लिक्विड कचरा जो लिक्विड वेस्ट होता है ना जो इंडस्ट्रीज से बाहर निकलता है जिसको नदियों में डालते हैं नदियों को प्रदूषित कर रहे होते हैं so right? तो दैट इज कॉल्ड इफ्लुएंट राइट दैट इज इफ्लुएंट तो यह काम है कि भाई मुझे सिर्फ एक शब्द का मतलब पता है अगर तो मैंने चार में से दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया अगला देखो द ऑफ कॉमिक टैलेंट विच विल रोलिंग इन द आइल्स ये बहुत बचपन का कंफ्यूजिंग वर्ड है आइल का मतलब क्या होता है आप जब प्लेन में जाते हो शताब्दी में ट्रेवल करते हो आइल सीट्स होती हैं जो बीच का पैसेज होता है यात्रियों के आने जाने के लिए किसी भी आने जाने के लिए उसके साथ की जो सीट्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं आइल सीट्स फिर आपका मिडिल सीट आ जाता है और फिर विंडो आ जाता है तो आइल्स वही हंसते हंसते लोटपोट हो जाना क्योंकि इस वाले आइल का मतलब क्या होता है दिस आइल इज कॉल्ड स्मॉल आईलैंड तो आप इन दो शब्दों की समझ से भी क्या हमें फायदा हो रहा है क्या नहीं हमें कोई फायदा नहीं हो रहा अब पेपर के सिनेरियो में आपको क्या करना होता है जैसे आपने चार एलिमिनेट चार में से दो एलिमिनेट कर लिए जो बाकी दो बचे हैं उनमें कर लो कि भाई मुझे कौन सा सेंटेंस पढ़ने की तो और बो होगा अब आपको पढ़ने का फायदा है बाद के दो सेंटेंसेज में क्योंकि तो यहाँ पे A, B और बी ए आपको दिख रहा है अब आप खुद अपने आप से तय कर लो बेसिक शब्द तुम्हारा क्या है क्या नजरिया है और प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट जिसको आप बहुत ही पॉजिटिव लाइट में देखते हैं कि ये बहुत प्रोस्पेक्टिव इंसान है प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट है प्रोस्पेक्टिव एम्प्लाई है जिसको पॉजिटिव निगाह से देखो रूट वर्ड है यहां पे अब देखो स्टडिंग हिस्ट्री कैन हेल्प पुट द प्रॉब ऑफ आवर ओन टाइम इन परस्पेक्टिव जैसे कहते ना पुटिंग थॉट्स इन पर्सपेक्टिव तो इसका मतलब क्या कि लास्ट सेंटेंस में बी आना चाहिए लास्ट में बी किसमें आया हुआ है ए और बी में आपको कंपेरिजन करना था लास्ट में बी किस में आया मार के निकल तो कहने का मतलब क्या कहने का मतलब कि हमें दस शब्दों में से अगर सिर्फ अफ्लुएंट का मतलब पता था जो कि बेसिक शब्द है अफ्लुएंट अमीर लोगों को कहते हैं जो ज्यादा ही अमीर हो और पर्सपेक्टिव शब्द का मतलब सबको पता है नजरिया होता है तो जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो वो घटनाओं को एक खास नजरिए में आप तक तो पहुंचाता है पर्सपेक्टिव देता है आपको तो इसका क्या मतलब था कि भाई यही करेक्ट ऑप्शन होगा इसका मतलब दस में से सिर्फ दो वर्ड का मतलब पता था और उसके बावजूद हम इस क्वेश्चन को दस सेकेंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं तो ये है एप्टीट्यूड टेस्ट ये है मानसिक योग अब मैंने कहा थोड़ा पैराजंबल का भी स्वाद आपको चखा दिया जाए क्या ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं एक मिनट के अंदर क्या ये क्वेश्चन कर सकते हैं चैलेंज है आपके लिए देखते कितने लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं और चार स्टेटमेंट का क्वेश्चन आपको मिलता है ओके ओके अनु हां जी करेक्ट ऑप्शन कौन बता रहा है देखो भाई लॉजिक मींस एंड बाई रीजनिंग वी मीन जब दोनों टर्म को डिफाइन कर दिया तब सो लॉजिकल रीजनिंग कितना आसान सा था यह लॉजिक मीन्स लॉजिक मीन उसके बाद बाई रीजनिंग वी मीन और जब दोनों को आपने डिफाइन कर दिया तो सो लॉजिकल रीजनिंग तो इसका मतलब कि सी ए बी और सी ए बी कहां पर है बी ऑप्शन पे है थर्टी सेकेंड का क्वेश्चन था यह थर्टी सेकेंड का क्वेश्चन था ठीक है

यानी बी और डी सेंटेंस को स्टार्ट करने वाले नहीं हैं डी से एक ऑप्शन था आपने बिना पढ़े बाहर कर दिया आंखें इतनी तेज होनी चाहिए उसके बाद आपको नजर आ रहा है द एवरेज इंडिविजुअल एवरेज इंडिविजुअल इंसान के लिए इस्तेमाल होगा उसके बाद ही ही इज का इस्तेमाल होगा यानी सी और बी क्या है सी और बी मैंडेटरी पेयर है ये एक साथ ही आने वाले हैं समझदार बच्चा सी ऑप्शन पर टिक मारकर निकल लिया थर्टी सेकेंड में पढ़ करके समझना इज ए डिफरेंट थिंग ये होती है आंखें पैनी होनी बिल्कुल तो आपको इस बैच में चाहे ग्रामर है या वोकैब है या कॉम्प्रिहेंशन है हर एक चीज पैनी करना सीख जाओगे आप कि भाई क्या अप्रोच है कैसे आपको हमला करना है क्वेश्चन के ऊपर एक आखिरी क्वेश्चन भी ले लो तो मेरा आज वाला काम पूरा हो जाएगा दस क्वेश्चन थे अच्छा ये तो कर दिया आपने हाँ अब एक क्वेश्चन ये आप करके बता दो दो का तरीका मैंने दिखा दिया टेल टेलमी पैराजल्स कितने आसान है दिस वुड समझ में आ गया कि भाई ये कोई बात पहले से हो रही है उसकी तरफ ये इशारा कर रहा है देखो ये क्लासेस में उनको थोड़ा समझ आएगा जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है आज ये पहली क्लास है ना मैंने कहा आईना अब तुमने पैराजल्स का नाम ही नहीं सुना आज तक तुम्हें तो आज तक एस का सिलेबस ही नहीं बताता ऐसे ही मुंह उठा के आ गए तो उसके लिए कल से क्लास शुरू होगी ये जिनको पता है लेकिन जो अंग्रेजी में स्ट्रगल करते हैं उनके मन में कुछ बन गया है कि नहीं कॉम्प्रिहेंशन तो मुझसे होगा ही नहीं मुझे तो ग्रामर रूल को ही रटना है अंग्रेजी का मतलब ग्रामर के रूल रटना है या वो कैब में रटने के अलावा कोई चारा नहीं है उन बच्चों को ये समझ पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं मैं पहली क्लास में कि ये मेंटल एप्टीट्यूड का टेस्ट है दस वर्ड का क्वेश्चन था लेकिन वो भी दस सेकेंड में हो सकता है दस में से सिर्फ दो शब्दों की समझ का मतलब अफ्लुएंट पता था पर्स्पेक्टिव पता था करेक्ट ऑप्शन पे पहुंच गए इसका जवाब आप दे रहे हैं मुझे बहुत खुशी है, है, मेंस का है। कैसे हुआ बना दे मेंस। आओ देखो। दोनों ऑप्शन बाहर कर दिया तुमने क्योंकि दोनों ए से शुरू हुए ही नजरें तुरंत पहुंच जाएंगे और उसके बाद अब डी और बी आपको दिख रहा है कौन स्टार्ट कर सकता है देर कैन नॉट बी मोर अपॉर्चून टाइम द एयरलाइन लिखा हुआ है द का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं जब वो चीज ऑलरेडी कहीं मेंशन हो चुकी हो राइट और वो मेंशन कहां हुई है एयर इंडिया की बात हो रही है बी में यानी बी ही पैराग्राफ को स्टार्ट करेगा आप इस ऑप्शन को भी बाहर कर देंगे सी पर टिक मार के निकल लेंगे यहां देखो एयर इंडिया ए आई इधर बस ए आई लिखा था यानी ये स्टेटमेंट भी सी स्टेटमेंट भी बी से पहले कभी नहीं आ सकता सी स्टेटमेंट बी से पहले कभी नहीं आ सकता तो छह से सात पॉइंट बताता हूं उसी में हर तरह का पैरासिंबल कवर हो जाता है राइट सो विद दिस वी आर रैपिंग अप दिस इंट्रो सेशन जिसमें पूरा यही था कि आपको एक बार कोर्स स्ट्रक्चर का आइडिया लग जाए कि सारी चीजें इसमें कवर होती हैं आपको ग्रामर uh, का पूरा पोर्शन कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन वो कैप का अप्रोच सीखोगे डेवलप करने का साथ ही साथ आप उनके क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं आपके उन टॉपिक्स के और उसी तरीके से कॉम्प्रिहेंशन में कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे टोटल ड्यूरेशन जाहिर तौर है बट बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होता है किसी को भी रिकमेंड कर सकते हैं जो इंग्लिश को पैशनेट है सीखने के लिए सीखने के लिए जिसने खुद का ही लक्ष्य गरीबी वाला बना रखा है कि मुझे क्लर्क का नौकरी लेना है या मुझे अंग्रेजी क्योंकि आती नहीं तो इसलिए मैं वो ग्रेड डी वाले जो एग्जाम्स हैं जहां अंग्रेजी पूछी भी नहीं जाती मैं वो ले लूंगा तो ऐसे सभी बच्चों को इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में बल मिलेगा इसीलिए इसको फाउंडेशन बैच बोलते हैं अंग्रेजी बहुत सिंपल है जो आपको पेपर में पूछी जाती है आप अगर उसका अप्रोच सीख जाएंगे कि किस तरह की फंडामेंटल्स क्लियर करो उन फंडामेंटल्स को क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है वो क्लियर करो और फिर कम समय में कैसे करना है वो सीख लो काम बन गया अभी देखो कम समय में सिखाया दस सेकंड में क्वेश्चन कर लिए सीजियल मेंस के आंखें खुली दिस वुड ब्रिंग यानी दिस सेंटेंस का सब्जेक्ट है किसी बात की तरफ इशारा कर रहा है ओपनिंग नहीं होगा दो ऑप्शन उड़ा दिए यही है जब पैरासंबल पढ़ाऊंगा तो कॉन्सेप्ट बताऊंगा पूरा कैसे मैंडेटरी पेयर बनते हैं ग्रामर से कैसे मदद लेते हो सारी चीजें कम समय में करना तो तीन स्टेप हैं क्लियर योर बेसिक्स लर्न द अप्लीकेशन ऑफ बेसिक्स एंड थर्ड प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल सो दैट कु सोल्व दैट क्वेश्चन इनसराइज सिचुएशन एज वेल कम समय में आप अच्छा परफॉर्म कर सकें ठीक है तो कल करते हैं मुलाकात और मैं ये चाह रहा हूं कि मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगले तीन दिनों में ना तीनों का इंट्रोडक्शन करूंगा प्रॉपर ग्रामर का भी वो कैब का भी और कॉम्प्रिहेंशन का भी या ग्रामर से ही शुरू करें या चाहते हो तीनों का थोड़ा थोड़ा सर एक एक घंटा सवा घंटा मिल जाए तो और मजा आएगा थोड़ा हमें वॉट डू यू से कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ तो अभी आपकी जो डेमो क्लासेस हैं उनमें तीनों तरह का एक्सपोजर आपको मिल जाएगा पूर्वी गहरी सर यूट्यूब चैनल का नाम बता दीजिए मेरे सारे जो चैनल सा उनका नाम इंग्लिश एक्सपो विद सत्येंद्र तिवारी है इंग्लिश एक्सपो विथ सत्येंद्र तिवारी ठीक है थैंक यू थैंक यू उदयवीर राज अनुज प्रियंका पूर्वी शिखा नटराज ने कुछ लिखा है भाई मेरा स्पोकन का बैच दस मिनट में शुरू हो रहा है Uh, कल मुलाकात करते हैं देर वर्स सम डिसरप्शन टेक्नोलॉजी यू नो दिस इज नॉट इन आर कंट्रोल कई बार हो जाता है uh, कल मुलाकात करेंगे वो फुली सारी चीजें स्मूथली चलेंगी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको ठीक है चले थैंक यू थैंक यू एवरीवान थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ कीप लर्निंग कीप राइजिंग एंड कीप शाइनिंग कोई और चारा नहीं है पढ़ते रहो ज्ञान बढ़ाओ ज्ञान का क्वेश्चन में अप्लीकेशन सीखो बाकी कम समय में कैसे वो अप्लाई करना है वो सब सिखा दूंगा ये तीनों स्टेप में मैं आपकी मदद करने वाला हूं बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू